हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, मैं शहबाज भसीन स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल इंट्राडे गाइड पर। गाइस, जिस तरीके से आज हमने देखा कि मार्केट ने बहुत अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई है, अपसाइड पे जाके हमने देखा कि मार्केट की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है अराउंड 29,000 लेवल्स के आसपास। हमने क्लोजिंग देखी है बैंक निफ्टी में और 11,600 के पास हमने क्लोजिंग देखी है निफ्टी में। सो मार्केट की ये जो रैली थी गाइस, जो ब्रेक्जिट की जो एग्जिट हम देख रहे थे, जो डील थी वो शायद हो सकती है, फाइनलाइज होने वाली है, तो उसकी वजह से हमने एक अपसाइड देखी थी गाइस। तो एक ये रीज़न इम्पोर्टेंट था जिसकी वजह से हमने मार्केट में एक ह्यूज अपसाइड देखी थी। अब गाइस बात करते हैं कि हमने किस तरीके से ट्रेड लिया आज, हमने किस तरीके से मार्केट पे काम करा और आप लोगों को किस तरीके से करवाया। गाइस, सबसे पहली बात आपको मैं अपने हर चैनल हर वीडियो पे शुरुआत पे एक बात बोलता था, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। गाइज, जिन जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल थोड़े टाइम पे ज्वाइन करा है उन्हें पता चल गया होगा कि जो कॉल्स हम आपको दे रहे हैं उसके पीछे क्या पर्टिकुलर स्टॉक के पीछे क्या रीज़न है, क्या पैटर्न्स है, क्या स्टडी है, वो सारी चीज़ें आपको बताई भी जा रही है। साइड बाय साइड आपको स्टॉक्स के टारगेट स्टॉप लॉस भी दिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। साइड में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के सेल और बाय दोनों के लेवल्स भी एक्सप्लेन करे जा रहे हैं। सो गाइज, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हमने आपको आज के लिए ट्रेड के लिए आपको 5 कॉल्स प्रोवाइड कराई थी, जिसमें जी इंटरटेनमेंट बाय के लिए था जिसका टारगेट हमारे हिट हो गया, वो जीवन था जिसका भी टारगेट हमारा हिट हो गया था गाइज पहला, वोल्टास का भी हमारा गाइज पहला टारगेट हिट हो गया, बीपीएसएल का भी हमारा पहला टारगेट हिट हो गया था जो आपको शॉर्ट की सलाह दी थी इतनी बड़ी मार्केट पे भी। ल्यूपिन पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि जिस तरीके से आपको बताया गया था कि जो मार्केट में मूवमेंट आई थी, पर्टिकुलरली निफ्ट ल्यूपिन ने अपना एक बटरफ्लाई पैटर्न बनाया था जिसका कल का जो मार्केट की जो कल जो ल्यूपिन ने क्लोजिंग दी थी वो एग्जैक्ट 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे दी थी, तो वहाँ से एक थोड़ा बहुत रिट्रेस हो गया है। अगर बाय चांस ये आज के हाई को कल अगर निफ्टी ल्यूपिन निकाल देता है तो आप दोबारा बाय करके चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ हायर लेवल्स। अब हम बात करते हैं गाइस, आपको जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड कराए थे क्या उनके पे एग्जैक्ट टारगेट हिट हुए। तो हाँ गाइस, हो गए, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी फिलहाल वैसे कि मार्केट में हम इतनी ज़्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट करेंगे, पर ये पर्टिकुलर न्यूज़ ने मार्केट को बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर दिया। और गाइस, जो आपको लेवल्स बताए गए थे उस लेवल्स पे ही आपने अगर एग्जिट करा होगा तो आप अच्छी बात है, आप ज़्यादा प्रॉफिट के लिए अगर आप नहीं रुके होंगे, पर जो चार्ट्स पे आपको दिखाया गया था अगर आप उसके लिए भी रुके होंगे तो भी आप अभी भी बहुत एक्सट्रीम प्रॉफिट पे चल रहे होंगे। वो चार्ट्स पे हम आपको बाद में लेकर चलेंगे। कल किस तरीके से काम करना है, कल फ्राइडे है, वीकली का आखिरी दिन है, इस हफ्ते का कल आखिरी दिन होगा, तो गाइस किस तरीके से काम करना है, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ थर्सडे जितना इम्पोर्टेंट नहीं होता क्या स्टॉक्स के लिए उतना फ्राइडे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि तब हमें एक वीक की कैंडल की क्लोजिंग पता चलती है और वो ज़्यादातर उस पर्टिकुलर स्टॉक का डिसीजन डिसाइड करती है आने वाले वीक का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये अगर आप समझ आ गई, ये मैं आपके साथ एट अ मैटर ऑफ टाइम शेयर करूँगा, बाद में शेयर करूँगा, क्योंकि गाइज इस पर मैं अभी खुद प्रैक्टिस अभी तक कर रहा हूँ, मुझे 2 साल हो गए ये चीज़ को देखे हुए, इस चीज़ को समझे हुए। पर कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पे ऐसा होता है, वही स्टॉक्स में अपने खुद की तरीके से फाइंड करना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको एक्सिस बैंक पे बताया था और आप देख सकते थे किस तरीके से एक्सिस बैंक ने वो रिकवर करा था, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट जो फ्राइडे की कैंडल होती है वो डिसाइड करती है कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, जैसा कि आपको बताया गया था। गाइस, अब 5 स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला है भेल, बाय करने की सलाह दी जाएगी, 44.6 का इसका सीएमपी है, करंट लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हैं, अगर आपको कल डिप मिलती है तो भी बाय कर लीजिए, थोड़ी बहुत अपसाइड मिलती है 45 के आसपास तो भी बाय कर सकते हैं गाइस इस पर्टिकुलर काउंटर को, क्योंकि इस पर्टिकुलर काउंटर ने एक हम कह सकते हैं बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न बना लिया, जिसका उसने एक एक पर्टिकुलर पॉइंट लेवल होता है जिसने उसने बाय सिग्नल प्रोवाइड करा दिया है, तो इसे आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 42 मेंटेन करना है। क्लोजिंग बेसिस की बात हो रही है, आपको भेल पे दोबारा बता देते हैं, अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे 42 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो हम शायद 50 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट अ मैटर ऑफ टाइम भेल के अंदर। सो बाय है, थोड़ा बहुत अगर अपसाइड भी मिल जाता है तो भी एक बार बाय बनाने की सोचेगा जरूर। एच ई जी बहुत बढ़िया स्टॉक है गाइज, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे होते तो आप एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम प्रॉफिट अर्न कर सके होते हैं। जैसा कि आपको पता था कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको कॉल्स देने के बाद मैंने लिख दिया था कि आपको बहुत सेफली ट्रेड करना है, मॉर्निंग में आपको कोई ट्रेड नहीं करना, सारी कॉल्स आपको इवनिंग के थ्रू प्रोवाइड होगी,
तो एग्जैक्ट 12:15 पे हमने आपको एक कॉल प्रोवाइड कराई थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि था HEG, जो कि आप देख सकते हैं इसका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 937, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और गाइज हमने कितने रुपए में बाय करवाया था, 902 रुपीज पे हमने 902 रुपये में बाय करवाया था, और हमारा जो टारगेट था 926 था, जो कि अचीव हो गया। पोजिशनल कॉल थी गाइज, तभी भी जाके वो अचीव हो गया। अब ये कम से कम 950 तक के लेवल्स तक को छू के आया है, और जैसा कि आपको मैंने अपने उस कॉल के नीचे बताया था कि इसने ट्रिपल बॉटम बनाया है, वहाँ पर हायर हाइज बना रहा है, और 7 दिन का जो रेंज है उस रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है, और वहाँ से एक ब्रेकआउट देने की हम एक एक्सपेक्टेशन लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ से एक वो ब्रेकआउट देने वाला है। और गाइज वही हुआ, मेरे कहते ही आधे घंटे बाद हमने देखा कि उस पर एक ब्रेकआउट आया, और वहाँ से वो उस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक बहुत तेजी की रैली दिखाई है। गाइज ब्रेकआउट, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 902 रुपए के लेवल में आया, ब्रेकआउट आया है 924 या 925 के लेवल्स पे, जो कि हमारा हायर साइड का टारगेट था। हाँ गाइज ये थोड़ा रिस्की स्टॉक था जो हमने आपको प्रोवाइड कराया था, और हमने अपने क्लाइंट्स को अब दोबारा बाय करवाना है, जो भी ये पर्टिकुलर है एक फ्रेश बाय पोजिशन आप बना सकते हैं। कब, जिन लोगों ने आज अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा कोई बात नहीं, जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो भी होल्ड करे रखिए, पर जो फ्रेश पोजिशन बनाना चाहते हैं उन्हें सलाह यही दी जाएगी कि थोड़ा अगर आपको नीचे मिलता है, थोड़ी अगर आपको ये डिप देता है, बाय करिए दोबारा, और यहाँ से हम इसमें 1000 रुपये तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल इंट्राडे के लिए 944-952 का टारगेट होगा, बाय करके चलिए। गाइस अगर आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो आप ज़रूर और ज़रूर पैसा कमाएंगे, और आपको बताया जाएगा रीज़न कि हम आपको वो कॉल क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं। KSEL कावरी सीड्स की अगर हम बात करें, कावरी सीड्स की, तो गाइज ये ज़्यादा चलने वाला स्टॉक तो नहीं है, और जिस तरीके से मुझे टारगेट लग रहा है कि मैंने आपको 8 रुपये ऊपर टारगेट दिया, पर मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ज़्यादा चलेगा। तो पर मोमेंटम जिस चार्ट में दिख रही है कि इससे एक बाय सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, तो हम एक बाय कर सकते हैं। ज़्यादा टारगेट के लिए वेट मत करिएगा KCL के अंदर, तो 475-479 तक के टारगेट्स का इंट्राडे पे दिखा सकता है। 467 इसलिए आपको बहुत कम का आपको एक स्टॉप लॉस प्रोवाइड कराया जा रहा है KCL के अंदर। गाइज अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल आपके फ़ोन पे डाउनलोड है तो ऊपर सर्च के बटन पे अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम डालेंगे, जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं ट्रेड डीलर्स है, सर्च करेंगे तो हमारा आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। वहाँ पर हमारे पास अराउंड 535 समथिंग मेम्बर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप उसे जाके ज्वाइन हो सकते हैं और हमारी इस कॉल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। कॉन्कोर की बात करें तो एक ये कॉन्ट्रा कॉल मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, 599 के पे क्लोजिंग है, तो 602 के ऊपर, 602 के ऊपर अगर मिलता है, सस्टेन करता है, तो बाय करिएगा कॉन्कोर को। 608-617 तक के टारगेट्स हम कल कॉन्कोर पे एक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्टॉक पे कोई काउंटर पैटर्न या अगर हम बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं बन रहा, पर जिस तरीके से अगर हम इस चार्ट को स्टडी करते हैं, अगर अपने माइंडसेट से देखते हैं, तो गाइस इस पे एक शायद हम एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर एक बाय पोजीशन बना सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि कल शायद एक ये हायर साइड पे जा सकता है। सो एक रिस्की स्टॉक है, बाय करिए इसे। BEML गाइस, BEML जैसा कि आपको बताया था, हम अपने क्लाइंट्स को ये भी बाय करवा के रखा था, अराउंड हमने 904 के आसपास बाय करवाया था, 9018 पे हम एग्जिट कर गए थे, अराउंड हम 14 पॉइंट लेकर इसमें से एग्जिट कर गए थे। अभी भी बाय बनता है गाइस, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट इसके लिए भी ज़रूरी है। 911 पे इसकी क्लोजिंग है, और आपको सलाह यही दी जाएगी डिप इस पे भी अगर आपको कल मार्केट ओपनिंग में मिलती है तो बाय करिए स्टॉप लॉस को। जो पॉइंट्स का डिफरेंस आपको CMP और स्टॉप लॉस का दिख रहा है, उतना अगर आपको डिप पे बाय करते तो उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ट्रेल करिए और बाय करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 918-924। ये 5 स्टॉक्स आपके साथ गाइस मैं शेयर कर चुका हूँ। अब हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। उससे पहले कि गाइज, जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स अभी यूट्यूब पे जुड़े हैं, जिन लोगों ने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है, तो आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक दिवाली ऑफर लेकर आया हूँ। बम्पर दिवाली ऑफर है जिसपे एग्जैक्ट 6000 फीस जो मैं आपसे मंथली चार्ज करता था, अब वो गाइज दिवाली ऑफर के लिए हो गई है 3 महीने के लिए, यानी कि आप 6000 रुपये दे के 3 महीने तक हमारी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी सर्विस ले सकते हैं। 3 महीने तक कौन लोग ले सकते हैं, जो पहले 15 मेंबर्स होंगे जो ज्वाइन होंगे हमारी सर्विस के लिए, और जो 15 मेंबर्स के बाद जो 16th मेंबर्स स्टार्ट होंगे वो 2 महीने के लिए हमारी 6000 की सर्विस ले सकते हैं।
अब इस पर्टिकुलर 6000 की सर्विस में क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, मैं आपको शॉर्ट पे बता देता हूँ, जिस पे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको फ्यूचर कॉल्स प्रोवाइड होंगी, ऑप्शन कॉल्स प्रोवाइड होंगी, कैश कॉल्स प्रोवाइड होंगी, हर डेली आपको प्रोवाइड होने वाली है, डेली बेसिस पे आपको ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड होंगी। साइड बाय साइड एक ऑफर में आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है, आपका पोर्टफोलियो हम बनाने में बिल्ड करेंगे, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से हम आपके स्टॉक सेलेक्शन करेंगे, क्या सेक्टर पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो आप लोगों को बताया जाएगा, या फिर अगर आपका खुद का पोर्टफोलियो है तो उस पर भी हम एक तरीके से रिव्यू करेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को, क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या चीज़ें, कौन से स्टॉक्स हैं हटाने वाले हैं, कौन से लगाने वाले हैं, वो सब आपके साथ शेयर करा जाएगा साइड बाय साइड। प्लस एक और चीज़ आपके लिए हम कर रहे हैं, आपको एक वीकली बेसिस पे एक कॉल प्रोवाइड होगी। फॉर एग्जांपल जैसा कि आज हमने आपको एक HEG बाय करवाया था अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, जिसपे आपको 30 से 40 पॉइंट आराम से मिल गए थे, वैसे ही आपको एक वीकली स्विंग कॉल भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके पीछे आपको एक रिसर्च रिपोर्ट भी शेयर करी जाएगी कि वो कॉल हम आपको क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या रिसर्च है उसके पीछे। प्लस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ गाइस इस ऑफर में, उसके साथ आपको क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सारी चीज़ें यानी कि कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, स्विंग, क्रूड ऑयल पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ें आपको 6000 रुपये 3 महीने के लिए मिल रही है गाइस, वो भी सिर्फ पहले 15 मेंबर्स के लिए, जिसमें से कल आपको ये ऑफर के बारे में बताया गया, जिसमें से 6 लोगों ने या 7 लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, तो अभी भी 9 लोग रहते हैं, तो 9 लोगों के लिए अभी भी ओपन है। कॉन्टैक्ट करिए मुझे गाइस डिस्क्रिप्शन पे, सबसे पहले ही आपको ईमेल एड्रेस और मेरा फ़ोन नंबर दे रखा है, मुझको कॉन्टैक्ट करिए और जल्दी से इसको बुक करिए और आप लाभ उठाइए। अगर आपको समझ रहे हैं कि आप हमसे थोड़ा ट्रायल बेसिस पे कॉल्स लीजिए या फिर आप देखना चाहते हैं कि हमारी क्या परफॉर्मेंस है, सो गाइस उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको प्रीवियस जो भी मेरे डाटाज हैं, जो भी मैंने कॉल्स शेयर करी है, वो सारी आप चेक कर सकते हैं और उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसी हमारी कॉल्स होती हैं। सो कोई भी ट्रायल कॉल्स हम प्रोवाइड नहीं करा सकते। ये जो वैलिडिटी है ऑफर की, ये दिवाली तक है, एग्जैक्ट हम 27th तक की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले अगर आप लोग ले लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो 15 मेंबर्स के बाद लेगा उसके लिए जो वैलिडिटी है वो 2 महीने रह जाएगी 3 महीने के बदले। अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। जिस तरीके से आप चार्ट्स में देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपके लिए मैं निफ्टी का चार्ट लेकर आया हूँ। निफ्टी के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि जिस दिन, 2 दिन जब लगातार हमने एक कॉर्पोरेट टैक्स कट की एक रैली देखी थी, उसके बाद मार्केट एक साइडवेज पे चला गया था, मार्केट ने एक रेंज पे आप चला गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 2 लाइंस बनाई हुई है, एक अपर रेजिस्टेंस की, एक सपोर्ट की, एक चैनल है, तो चैनल के अंदर पर्टिकुलरली निफ्टी ट्रेड कर रहा था, और चैनल का ब्रेकआउट इसने कैसे दिया था वो हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पर हमने निफ्टी को देखने को मिला था, उसके बाद हमने देखा था कि निफ्टी लगातार, हम 30 मिनट चार्ट की बात करें तो एक कैंडल 30 मिनट चार्ट की है, तो ज़रूर इसको डेली बेसिस पे कंसीडर मत करिएगा। उसके बाद हमने देखा कि लगातार ये कम से कम 4-5 घंटे तो उसके उस पर ही कंसोलिडेट करते रहा, ऊपर भी गया, उस लाइन के ऊपर गया, ब्रेकआउट के ऊपर गया, पर उसको जाके टेस्ट करा, हमें एक बाय अपॉर्चुनिटी दी और हमने बाय करा। उसके बाद जब हमने देखा कि दोबारा एक रेंज में वो ट्रेड करने लगे हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक दोबारा रेंज बन गई, जो कि रेंज आपको ये चैनल दिख रहा होगा, पहले तो ये चैनल था जिसका ब्रेकआउट हमें यहाँ देखने को मिल गया, अब ये चैनल बना जिसका ब्रेकआउट हमें आज के ट्रेडिंग सेशन पे देखने को मिल गया। आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एक बाय का लेवल हमें दिया, हमने बाय करा। उसके बाद दोबारा अब ये कंसोलिडेशन दिखा सकता है, यानी कि इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो ब्रेकआउट लेवल एग्जैक्ट 11,540 के आसपास बैठ रहा है, जो कि इसकी क्लोजिंग हुई है 11,580 की, तो यहाँ से 40-50 पॉइंट एक निफ्टी करेक्शन ले सकता है। करेक्शन आपको ये नहीं बताया जा रहा, अब एक थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले सकता है, और वो रिट्रेसमेंट लेने के बाद हम एक दोबारा बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था डेली चार्ट पे आपको मैं लेकर चलता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था वहाँ पर आपको दिख जाएगा गाइस कि हमारे एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट इस लेवल तक पहुँच जाएगा। आपको ये जो कैंडल बनी थी 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर जो ये कैंडल बनी थी, इस लेवल से आपको मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि 11,300 से आपको हर वीडियो में बताया जा रहा है कि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी बाय करना है, और जो निफ्टी का टारगेट होगा वो अपर साइड में, अब यही बचा है क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो 11,600 के आसपास तक निफ्टी जा सकता है, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन पे वो चला गया है।
अब हमें किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड करना है, तो निफ्टी को अगर आपको 11,540 के आसपास मिलता है तो आप दोबारा निफ्टी को बाय करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 11,630। दूसरी बात, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 11,450 का। सेल की साइड आपको तभी दी जाएगी जब 11,450 का लेवल ब्रेक करती है, तब तक आपको कोई भी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकती है, पर उस रिट्रेसमेंट पे हमें शॉर्ट पोजीशन की गलती नहीं करनी है, शॉर्ट करके गलती नहीं करनी है, हमें बाय ही करना है क्योंकि मार्केट एक मोमेंटम पे ही है। शॉर्ट कब करेंगे, जब 11,450 का लेवल टूटेगा तब हम 200 से 250 पॉइंट की एक रैली पे बाय शॉर्ट करेंगे और पैसा कमाएंगे। बाय अभी करना है, आप जब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे आप बाय करिए। सेम गोज विद बैंक निफ्टी, आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर काम कर रहा था, रेंज का ब्रेकआउट दिया, इस रेंज की लाइन पे ही आप देख सकते हैं किस तरीके से काम करा, अपर साइड में गया और दोबारा से रेंज के अंदर आ गया। एग्जैक्ट इसने फिर एक दूसरा चैनल बनाया और दूसरा चैनल बनाने के बाद आप देख सकते हैं इसने ब्रेकआउट दे दिया है साइड बाय साइड, उसने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है। अब हमें क्या देखना है, सॉरी गाइस, अगर हम प्रीवियस डाटा की बात करें तो इस चैनल के अंदर इसने एक बार दोबारा कोशिश करी थी चैनल को ब्रेक करने की, साइड बाय साइड 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करनी थी और उसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया था उस दिन के अंदर। और अगले दिन जब हमने एक देखा था तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमने देखा था वो स्टॉक दोबारा उस रेंज के अंदर लोअर साइड में चला गया था। होने को अब क्या हो सकता है, हो सकता है कि कल एक दोबारा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए इसी के साथ जो प्रीवियस टाइम हुआ था, और दोबारा ये हम देख सकते हैं कि 28,600 तक चले जाए और वहां से हम एक दोबारा एक बाई पोजिशन इनिशिएट करने की सोचे। पर गाइस ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा दोबारा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम डेली चार्ट्स में बैठे हैं तो डेली चार्ट्स में हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको वही सलाह दूंगा बाय या शॉर्ट करने की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल मार्केट ने क्लोजिंग दी थी एग्जैक्ट इस लेवल पे जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल था, और मैंने आपको बोला था बाय करिए। बाय करने की सलाह आपको क्यों दी थी, क्योंकि इस चैनल का रेंज का ब्रेकआउट था, प्लस हमारा जो टारगेट था, प्लस जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर टारगेट दिया था वो मैंने आपको एग्जैक्ट 200 डे का मूविंग एवरेज दिया था जो कि हमारा टारगेट हिट हो गया था, उसके ऊपर जाने की मैंने आज एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, पर उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। तो अब आप में क्या करना है, ये हमारे लिए जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है ये एक बीच का काम करेगी, मिड पॉइंट का काम करेगी, जिसके ऊपर हम बाय करेंगे उसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है गाइस, अब हमें क्लोजिंग देखनी है। मार्केट की क्लोजिंग हुई है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है अराउंड 29,000 लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली, और जो 200 डे का मूविंग एवरेज है वो है 28,850 का। तो 28,850 के स्टॉप लॉस के साथ अब एक बार बाय पोजीशन बना सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर फॉर अ टारगेट ऑफ 29,250 के। 250 पॉइंट का आप टारगेट एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर अ स्टॉप लॉस ऑफ 100 पॉइंट्स जो आप मेंटेन कर सकते हैं। तो 1:1.5 का एक रेशियो मिल रहा है प्रॉफिट टेकिंग का, आप उसमें इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर शॉर्ट पोजीशन आपको कब इनिशिएट करनी है, शॉर्ट पोजीशन आपको इनिशिएट करनी है जब 28,770 का लेवल ब्रेक करती है, तब आपको एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 28,880 जो का आपका 200 दिन का मूविंग एवरेज होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 28,500। इस पे भी आप कम से कम 200 से 250 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो निफ्टी बैंक निफ्टी भी आपको अच्छे से स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर दी है किस तरीके से चैनल का ब्रेकआउट हो रहे हैं और उसके ऊपर एक और चैनल बन रहे हैं, तो उसको आप क्लोजली फॉलो करेंगे तभी आपको पैटर्न्स में समझ आएगी। और पर्टिकुलर जो आपको 5 स्टॉक्स दिए जा रखे हैं उनको फोकस करिए, उस पर ट्रेड लीजिए और बने रखिए। टेलीग्राम चैनल पे गाइस जितने लोग देख रहे हैं वो ज्वाइन होंगे तभी पैसा कमा पाएंगे। इस पे हम आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, इस पे आपको सिखा रहे हैं, साइड बाय साइड कॉल्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ट्रेड कैसे लेना है, क्या कॉल पे ट्रेड लेना है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही अल्टीमेटली आपको प्रोवाइड कराई जा रही है लाइव मार्केट पे, तो जाके उसे फॉलो जरूर करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। उसी के साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑफर बस वैलिड है और 6 मेंबर्स भर चुके हैं, 7-9 मेंबर्स की जगह और है, तो अभी भी मेरे पास कॉल्स आ रही है, मैं उन लोगों की एक्सेप्ट करूंगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फास्ट, उससे पहले सीट बुक ना हो जाए। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी आपको डाउट्स हो रिलेटेड टू दिस ऑफर, रिलेटेड टू द मार्केट, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको ऑफर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और मैं शिवांश भसीन इसी के साथ इस वीडियो को साइन ऑफ करता हूँ।